हेलो एवरीवन, आज 27 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेल्टा कॉर्प के बारे में। देखिए, डेल्टा कॉर्प की अगर हम बात करें तो भैया कैसीनो और गेमिंग से रिलेटेड ये कंपनी है ये, और काफी बड़ी कंपनी है। लेकिन हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ी इसमें गिरावट हमें देखने को मिली है। 68 रुपीज के आसपास शेयर आ चुका है कोरोना के चलते। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या शेयर में खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेल्टा कॉर्प, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 68 रुपीज के आसपास ट्रेड करा है पिछले एक महीने में। डेल्टा कॉर्प के शेयर में 15% का ग्रोथ है। 59 रुपीज तक टूट गया था शेयर, तेजी आई, 75 रुपए तक गया, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक, फिर गिरावट, अब फिर हल्का सा बाउंस बैक देखने को मिला है। पिछले एक साल में डेल्टा कॉर्प के शेयर में 71% जितनी गिरावट है। 250 रुपए के आसपास शेयर था, गिरावट आई, बढ़िया बाउंस बैक किया, लेकिन जैसे धीरे धीरे पता चला कि भैया कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, शेयर धीरे धीरे टूटता चला गया। क्योंकि तो देखिए, इनका जो मेन बिजनेस है वो कैसीनो का बिजनेस है, और अभी क्या है कि अभी सारे के सारे कैसीनोज बंद पड़े हैं। इनका जो मेन बिजनेस ऑपरेट होता है वो गोवा में और सिक्किम में है, और वहां पर इनके जो बिजनेस चलते हैं कैसीनो के। अभी क्या है कि अभी लॉकडाउन के चलते सब कुछ बंद है, और कब तक इन सारी चीजों को खुलने की परमिशन मिलेगी वो कहना अभी तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो यही एक रीजन है कि डेल्टा कॉर्प काफी नीचे टूट रहा है, और बहुत जल्दी इनको क्या कहते हैं कि हम जो टूरिज्म सेक्टर है वो काफी ज्यादा दबाव में रहेगा कोरोना खत्म होने के बावजूद भी। तो भैया लोग घूमने से पहले दो बार सोचेंगे, तो उसी लिए थोड़ा वक्त जो है कम से कम 1-2 महीने तक तो डेल्टा कॉर्प के शेयर पर दबाव बना रह सकता है। लेकिन ये जो वक्त है उसमें खरीदारी का मौका कितना है वो देखने वाली बात है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में डेल्टा कॉर्प में 58% की गिरावट है। 390 रुपए तक भी ट्रेड कर चुका है शेयर। गिरावट बाउंस बैक, गिरावट बाउंस बैक, गिरावट बाउंस बैक, गिरावट बढ़िया बाउंस बैक, और कोरोना ने फिर हालत खराब कर दी यहाँ पर। डेल्टा कॉर्प की बात करें तो देखिए, डेल्टा कॉर्प में एक बड़ा एक्सपोजर है वो राकेश झुनझुनवाला जी का है। उसके बाद आता है आर के दमानी, राधा कृष्ण दमानी का भी एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है जो डीमार्ट के प्रमोटर है। राधा कृष्ण दमानी ने क्या किया भैया, जैसे गिरावट आई थी डेल्टा कॉर्प में तो 65 रुपए के ऊपर 15 लाख से भी ज्यादा शेयर उन्होंने खरीद लिए। एक बहुत बड़ा निवेश राधा कृष्ण दमानी जी ने भी किया है। काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भैया कहाँ किया है, हमें तो कोई लिंक मिल नहीं रही है। तो भैया मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था, जब इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट किया था तब भी मैंने वीडियो बनाया था, और अभी एक छोटा सा डिस्क्लेमर के तौर पर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि भैया इन्होंने सच में निवेश किया हुआ है, तो थोड़ा सा अब आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ जो बड़ा निवेश है राधा कृष्ण दमानी के साथ साथ वो है राकेश झुनझुनवाला और उनकी वाइफ रेखा झुनझुनवाला। उन दोनों ने भी एक बहुत बड़े शेयर्स यहाँ पर खरीदे हुए हैं, और काफी बड़े प्राइस पे इन लोगों ने तो खरीदा है। लेकिन राधा कृष्ण दमानी ने 65 रुपीज के आसपास ये शेयर खरीदा है और 15 लाख से भी ज्यादा शेयर खरीदे। तो गिरावट में इन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी और खरीदारी की है। डेल्टा कॉर्प की ये वेबसाइट है जहां पर मैं आपको ले चलूँ, तो भैया गेमिंग से है, क्रूज कैसीनो भी है यहाँ पर, इनके हॉस्पिटैलिटी वहां पर भी है, मतलब बढ़िया आप होटल्स इनके देख सकते हो। उसके साथ ऑनलाइन में भी इनका काफी बड़ा नाम है, अड्डा 52, आपने सुना होगा ये, और वहां पर भी अच्छा खासा इनका रेवेन्यू आ जाता है। तो हालांकि ऑनलाइन में तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो ऑनलाइन अड्डा 52 से मैं नहीं मानता हूँ कि उतना बड़ा रेवेन्यू ड्रिवन वहां से होता है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम कहें कि जो सिक्किम में इनके, सिक्किम और जो गोवा में इनके जो एग्जिस्टिंग कैसीनो है वो काफी बढ़िया और अच्छे से चल रहे हैं, और काफी जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा वो आपको और ज्यादा तेजी से चलते हुए दिखाई दे सकते हैं। कुछ वक्त दबाव रहेगा, ऐसा नहीं कि लॉकडाउन खत्म हो गया और लोग चले गए कैसीनो में खेलने के लिए, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वक्त लगेगा, लेकिन जैसे ही चीजें सामान्य होगी वापस से लोग अपने रूटीन में आ जाएंगे, जैसे ही लोग फिर से घूमना शुरू करेंगे, गोवा जाना शुरू करेंगे, सिक्किम जाना शुरू करेंगे, तो वैसे वैसे इनके जो शेयर्स हैं उसमें आपको तेजी शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में देखने को जरूर मिल जाएगी। देखिए, स्मॉल कैप स्टॉक है ये, 1875 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखें तो 11 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 32.77% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है। एफआईएस के पास 19.94% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर म्यूचुअल फंड फायदा उठा रहे हैं।
5.74% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.93% की होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 39.97% की होल्डिंग है, प्रमोटर के द्वारा 7% जितनी होल्डिंग थोड़ी सी गिरी भी है, 5 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 48 एफआईएस ने पैसा लगाया है, प्रमोटर भी था। ये होल्डिंग की बात करें तो अदिति मोदी फैमिली प्राइवेट लिमिटेड है जिनके पास 10.85% की होल्डिंग है, हाईएस्ट पब्लिक होल्डर स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड है जिनके पास 6.54% की होल्डिंग है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 25.25% है, 75% का डिविडेंड पे कर रहा है, और ये इंट्रीम डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर किया था। इंट्रीम डिविडेंड मतलब 75 पैसा पर शेयर का इंट्रीम डिविडेंड इन्होंने इस साल पे किया है। डेल्टा कॉर्प की अगर मैं बात करूं तो मनी कंट्रोल में आप देखेंगे कि टेक्निकल रेटिंग अभी भी इनकी कुछ खास अच्छी नहीं है, पीई 9.99 है, इंडस्ट्री पी 27.65 है, बुक वैल्यू 71 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.96 है, और ईपीएस 6.88 है, डिलीवरी 60 के आसपास है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 42% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 47% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, 11% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर हम बात करें, देखिए जीरो डेट वाली कंपनी है, कंपनी के ऊपर एक रुपए का भी कर्जा नहीं है, और ये वाकई में काफी बड़ी बात है और काफी अच्छी बात है, और कंपनी हर क्वार्टर में 50 करोड़ तक के मुनाफे कमा रही है, 45 से 50 करोड़ तक के मुनाफे भी कमा रही है। तो आप खुद देखिए, कंपनी एक तो पैसा कमा रही है और कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, और ऐसा बिजनेस से है कि भैया लोग लालच आने सब लोग करते हैं, ठीक है, सब लोगों में लालच हो जाए कि भैया एक का 10 बन जाए, और लोग क्या करते हैं, कसिनो में जाते हैं, खेलते भी हैं, और कसिनो वाला जो कल्चर है वो धीरे धीरे इंडिया में बढ़ता हुआ हमें दिखाई भी दे सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि जरूर डेल्टा कॉर्प एक मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल रखता है, शॉर्ट टर्म में हमें अगर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले तो मैं मानता हूँ कि खरीदारी का एक बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर आपके पास हो सकता है, लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ डेल्टा कॉर्प में अगर आप खरीदारी करी भी तो छोटा छोटा निवेश करें, गिरावट में थोड़ा और निवेश करें, उसी तरीके से आप यहाँ पर प्लान करें एक साल का, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में यहाँ पर गिरावट जरूर आएगी। रीजन ये है कि देखिए यहाँ पर होगा क्या, कोरोना खत्म हो भी जाएगा तो उसके बावजूद जो टूरिज्म का बिजनेस है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव रहेगा, लोग घर से निकलना पसंद करेंगे कि नहीं वो सबसे पहला सवाल है, क्योंकि देखिए जो छोटे बिजनेस है वो बर्बाद हो सकते हैं, काफी लोगों की नौकरियां जा सकती है, तो ऐसे सिचुएशन में तो कोई घूमने नहीं जाएगा, लोग क्या करेंगे भैया, लोग घर पे रहेंगे, अपनी जॉब वॉब ढूंढेंगे या वहां पे खर्चा करेंगे जहां पे सच में खर्चा किया जा सकता है, ना कि कोई भैया कसिनो में जाके गेम वेम खेलेगा, ठीक है। तो वही है कि शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट आएगी, लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि पूरा का पूरा स्मूथली चलना शुरू हो जाएगा तब शेयर्स एक बढ़िया प्राइस के ऊपर ट्रेड होता हुआ दिखेगा। तो ये जो शॉर्ट टर्म का वक्त है वो एसआईपी इन्वेस्ट के लिए बेस्ट है, मतलब एसआईपी से मेरा मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ पर 500 शेयर खरीदने हैं तो आप 25-25 या 50-50 की क्वांटिटी में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पर उठाते रहिए, और लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चलिए, जरूर यहाँ पर आपको फायदा हो सकता है। अगेन कह रहा हूँ रिस्की जरूर है लेकिन अच्छा पैसा बन सकता है, क्योंकि देखिए बिजनेस जो है वो बर्बाद तो नहीं होने वाला है, कसिनो का बिजनेस है वो बर्बाद तो नहीं होने वाला है, कंपनी के ऊपर कर्जा भी नहीं है, कंपनी के प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है, कंपनी पैसा भी कमा रही है और काफी अच्छे प्राइस के ऊपर अवेलेबल भी है। तो मैं पर्सनली मुझे लगता है कि शेयर थोड़ा सा रिटर्न देने का पोटेंशियल यहाँ पर जरूर रखता है, आप चाहे तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी फंसा सकते हैं, लेकिन अगेन कह रहा हूँ एक साथ सारे के सारे शेयर मत खरीदिए, क्योंकि भैया एवरेज करने की आपको जरूरत जरूर पड़ेगी, बॉटम कहाँ है ये हमें पता नहीं है, तो हम किस तरीके से प्ले करेंगे, जैसे जैसे गिरावट आएगी वैसे वैसे थोड़े थोड़े शेयर यहाँ पर खरीदते जाएंगे, तो वही एक बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है अभी के सिचुएशन में, क्योंकि भैया कसिनो का बिजनेस है तो सबको पता है कि इतनी जल्दी कसिनो तो खुलने वाले है नहीं, और जो ऑनलाइन इनका बिजनेस है उससे उतना रेवेन्यू नहीं होता है, अड्डा 52 बहुत ही कम लोग खेलते होंगे, क्योंकि और भी काफी सारे बड़े प्लेयर्स आ चुके हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, लेकिन अगर हम बात करें कि कसिनो की अगर हम बात करें जो लोकेटेड है उसमें इतने बड़े प्लेयर्स नहीं है, उसमें डेल्टा कॉर्प मुझे लगता है कि लीड कर रहा है यहाँ पर, तो आप शायद इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। तो जिन्होंने खरीदा है वो निवेशित रहे, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बढ़िया स्टॉक है, जरूर आपको रिटर्न मिलेगा। जिन्होंने नहीं खरीदा है वो लोग धीरे धीरे छोटी छोटी क्वांटिटी
खरीदारी कर सकते हैं। अगेन एवरेज करने की जरूरत पड़ेगी, तो एक साथ सारे के सारे शेयर बिल्कुल भी मत खरीदिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और डेल्टा कॉर्प के बारे में आपका क्या कहना है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।